आज यहां पर एकत्रित है। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं इस कार्य को चलते चलते। आवश्यकता आज गुरुदेव भगवान की है। आज गुरुदेव भगवान का स्मरण करता हूं, आवाहन करता हूं गुरुदेव भगवान का कि आ जाएं और अपने सेवक को दर्शन प्रदान करें। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम, आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकार। राजा जनक तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। व्यवहार जगत का एक नियम होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर राम राम होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। बताया गया जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान प्रणाम अभिवादन करता है तो उसे चार चीजें अपने आप मिल जाती हैं, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अभिवादन शीलस्व नित्यम वृद्धो पसेवना चत्वारी तस्वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल ये अपने आप मिल जाती है किन्हें, जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। राजा जनक रही बात आशीर्वाद की तो तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिवा प्रसादाय नव रीति सिद्धि वाता हता सतु विनाश नांचय दकार शब्दास्व दरिद्र नाशा। हे राजन इन दसों दिशाओं में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। कहो सेवक के द्वारा बुलवाया हेतु जानना चाहता हूँ। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, देश देशांतर के महिपाल एकत्रित हैं, परंतु दीनानाथ वो गाधि नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है, सेवक की लालसा है। आप मेरे पथ प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान, और ये मुनि से वंदना कहना, और ये ऋषि से हाँ ये मुनि से प्रार्थना कहना, ऋषि से वंदना कहना हमारी ओर से भगवान, मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से दिन स्वयंवर का, ये अंतिम दिन स्वयंवर का, ये सभी महिपाल आए आए, ये सभी महिपाल आए
शंकर का उठाने जा कुशल करता ये सभी भूपाल आए आए ये सभी मई गमर ससर मेरी बिनय ये हमारी बिनय है गुरु सी के चरणों में हमारी बिनय है गुरु सी के चरणों में हमारी बिनय है कर जोड़ कभी खड़ा करता बिनय है कर जोड़ स्वामी खड़ा करता विनय है गुरु जी के चरणों में हमारी विनय है गुरु जी के चरणों में हमारी विनय है। तुम्हारा कथन है कि मैं महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाकर के उनको आपकी अभिनय सुनाऊं कि वो रंगशाला के अंतर्गत पधारे अवश्य क्यों नहीं उनके आने वाले मार्गों पर तुम पुष्प आच्छादित कराओ मैं इसी समय सदन सुखद जा रहा हूं। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए जनक बिनय तिन्हे आई सुनाई। आज आप अकेले आए हैं आप? अवश्य कोई आवश्यक कार्य? अवश्य सर्वप्रथम महाराज जनक का प्रणाम आपके श्री चरणों में। उनके द्वारा एक विनय भिजवाई गई उस विनय को आप स्वीकारें देवता। विनय क्या है? आज मिथिला में मंगल नहीं आज मिथिला में महामंगल हो रहा है। मिथिला में आज महामंगल नपुने रंग भूमि सजवाई है आये नपुदेशों वहां विदेशन के सोवध की छटा छबिछाई है पंजाबी और मारवाड़ी कर्नाटक के अति छत छाए विदेशन के सियन्याहन की आशा कर कर जब देश देश के राजा इकट्ठे हैं तो वो शांत नहीं बैठे उनकी स्थिति क्या है क्रिया क्या क्या कर रहे हैं देवता मुनिराज कहाँ तक बतलावे मुनिराज कहाँ तक हमको
हाथों के कोई मुझे थे कोई हंसी करे कोई ठट्टाए कोई अंतिम दिन आज स्वयं पर का अंतिम दिन आज स्वयंवर का तो क्या यज्ञ नहीं हो रहा? क्या यज्ञ भी हो रहा है? अच्छा यज्ञ भी हो रहा है और स्वयंवर अवश्य यज्ञ भी हो रहा है अवश्य और स्वयंवर भी हो रहा है अवश्य, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि यहाँ स्वयंवर होना है। हमने तो धनुष यज्ञ सुना था और आज स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर इसलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ। वहाँ पर स्वयंवर कैसे हो रहा है? हे देवता, स्वयंवर तो पहले हो चुका है, स्वयंवर तो वहाँ पर पहले हो चुका है। स्वयंवर का मतलब होता है कि कन्या स्वयंवर का चयन करे, लेकिन जो स्वयंवर जो हुआ है स्वयंवर के पहले ये धनुष यज्ञ था। अरे वो सीता का स्वयंवर होगा, ये जनक स्वयंवर है। नहीं, ये धनुष यज्ञ है, वो सीता का स्वयंवर वो अलग है। नहीं तो ये सीता का स्वयंवर ही धनुष यज्ञ के आधार पर रखा गया। सीता स्वयंवर है कि जनक का स्वयंवर है? नहीं, ये सीता स्वयंवर है। यदि सीता स्वयंवर है तो सीता को स्वयं अपने वर को चुनने का अधिकार है, तभी सीता स्वयंवर है। यदि सीता पीछे हो जाए और जनक अपनी ओर से वर की खोज करे तो ये जनक का स्वयंवर हो गया। तभी मैं तो जानना चाहता हूँ कि ये जनक का स्वयंवर है कि सीता स्वयंवर? ये सीता स्वयंवर है, सीता ने वर का चयन कर लिया है। तो इसका मतलब फिर स्वयंवर काहे को रह गया? नहीं, अब स्वयंवर ना रह गया, लेकिन जो ये क्रिया है धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा बहुत पहले थी और स्वयंवर सीता ने वर को बाद में चयनित किया है। तो वर को जब चुन लिया है तो ये राजा काहे को है? कैसा? जब वर को चुन लिया है तो भाई वर को चुन लिया है, अब ये राजा भी आए हैं तो जब ये राजा बिचारे क्या करेंगे जब वर को चुन लिया है? ये धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। ये धनुष तोड़ने के लिए, क्योंकि पहले धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा। अच्छा, अगर धनुष को तोड़ दिया तो फिर वो जो सीता ने चुना है वो ऐसे कैसे कोई तोड़ देगा? तोड़ेगा वही जिसको सीता ने अपने वरण अपने हृदय में धारण किया है, क्योंकि माँ गौरा के द्वारा कहा गया जिस समय सीता ने जिस समय गौरी पूजा के लिए गई तो जब देखा किसी को वो ठीक है, ठीक है, बहुत समय नहीं लगा तो उसके बाद। अरे ये लंबा वक्तव्य नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब सीता ने चुन लिया और सीता ने जिसको चुन लिया वही धनुष को तोड़ेगा अवश्य, तो क्या राजाओं को अपमानित करने के लिए बुलाया गया है? ना, राजाओं के पास तो सम्मान होता है। और जब आपको पता है, सबको पता है कि उसके अतिरिक्त कोई धनुष को नहीं तोड़ सकता है और ये राजा आए हैं तो इनका तो अपमान होगा जब उसके अलावा कोई तोड़ नहीं सकता है। और जब पहले से पता है तो काहे को अपमान किया जा रहा है? राजा जनक को पता नहीं है ना, ये राजा जनक को पता नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, उन्हें सब पता है। और सीता ने जो चुना है ये हृदय का प्रेम है, लेकिन जो राज नियम होते हैं उन नियमों के आधार पर इस कार्य को उठाना गया है। और राजाओं के जो नियम होते हैं कोई भी उसमें बाधा पहुंचाए, लेकिन राजा के नियम होते हैं, चाहे सीता किसी को चुने या ना चुने, लेकिन जनक के अनुसार यह स्वयंवर हो रहा है, क्योंकि जनक ने यह प्रतिज्ञा किया है, राजा आए हैं, धनुष खंडन करेंगे, इसके बाद सीता का विवाह धनुष खंडन के माध्यम से होगा। अब धनुष खंडन कौन करता है ये विषय अलग का है, परंतु जो तुमने कहा कि सीता स्वयंवर है आज, तब मैं भ्रमित हो गया कि हम तो आए थे यज्ञ देखने के लिए और आज सीता स्वयंवर है, तो क्या कल धनुष कल यज्ञ था? अवश्य कल यज्ञ था, तो हमें तो यज्ञ देखना था, कल बताया नहीं जनक जी ने, और आज स्वयंवर है, अब हम स्वयंवर में क्या करेंगे? नहीं, आज भी यज्ञ है, ऐसा नहीं है, वही आज बात तो नहीं है। अच्छा, अगर सुनिए, जबरदस्ती कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, और मैं बता रहा हूँ, मैं सबकी कक्षा लेता हूँ फिर, तो यदि आज यज्ञ है तो मुझे अभी से आगे का कोई प्रमाण वर्तमान का दीजिए कि यह यज्ञ है। देखिए, ऐसा कुछ क्या कुछ अंकित है कि यह यज्ञ है? धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथ पहले कहा है, ये
ये पूर्व पूरब दिस गे तू भाई, जहाँ धनु मख हित भूम बनाई, और ये धनुष यज्ञ सुन रकुल ना था। ये सब पहले का प्रसंग है, वर्तमान में ये धनुष यज्ञ है ऐसा कोई प्रमाण हो तो बताइए। इसलिए कहता हूँ कि धनुष यज्ञ नहीं है, आज सीता स्वयंवर है, आपके कथनानुसार आज यज्ञ नहीं है। आज स्वयंवर में हम क्या करेंगे? हे देवता, आप जब तक वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे जब तक उस कार्य की सिद्धि ही नहीं होगी। आप जैसा ज्ञानी, ज्ञानी ही नहीं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जब तक आप वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, इस समय आप अयोध्या की सीमा के परिक्षेत्र में आप हैं। जब आप हैं तो आपको सर्वप्रथम बुलाने के लिए आदेश राजा जनक के द्वारा भिजवाया गया। राज में चलने के लिए तैयार हूँ, यदि आपको अकेले नहीं जाना है। आपको अकेले नहीं जाना है ना, तो किसके साथ जाना है? आपके साथ जो दो युगल राजकुमार हैं उनके साथ आपको चलना है। अब अंदर की बात बाहर आ गई, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये स्वयंवर उनके लिए, धनुष यज्ञ आपके लिए है। तो मूल रूप से मुझे जाना है कि मूल रूप से उन बच्चों को जाना है? हे देवता, हम बहाना है, राम निशाना है, चलिए हम आ जाएंगे। मूल तो आप ही रहेंगे गुरु, क्योंकि आपके बिना आदेश के वो नहीं चलेंगे। दो राजे कुमार सांगो ले लीजे, दो राजे कुमार सांगो ले लीजे, रंग आबा निछटा देखवे को दौर, चलिए मुनिवर जल्दी चालिए, चलिए मुनिवर जल्दी चालिए, नपो कर तप सखलो देखे को चलिए, आप पधारे। यही महाराज जनक की विनय है, आप चलिए हम आ रहे हैं। हरि से बोल लिए दो भाई, ऐसे नहीं, हमारे कुमारों को आशीर्वाद दीजिए, विप्र आशीर्वाद परमावश्यक है। देखो तुम्हारे समक्ष ये अहिल्या नंदन गौतम जी के सुपुत्र श्री सतानंद जी हैं, इनके चरणों में प्रणाम करके आशीष प्राप्त करूं। निडर हो वर्ते सदा समन्ना जीते खोए, चिरंजीव युग युग जियो कीर्तताम्बर होए, तुम्हारा कल्याण हो महामुनि। अब चल रहा हूं। सतानंद पदबंद प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाई। चलहु तात, चलना है, पता है कहाँ चलना है? जनक जी ने बुलाया है, सीता स्वयंवर हो रहा है, वहाँ हमें आमंत्रित किया गया है। आमंत्रण मिला है, निमंत्रण नहीं मिला है। आमंत्रण में भोजन नहीं मिलता है, निमंत्रण में भोजन मिलता है। तो हमें आमंत्रित किया है, तो चले सीए स्वयंवर देखिए जाई, और ईश का इधो दे बढ़ाई, चल करके सीता का स्वयंवर देखें, विधाता किसे बड़ाई प्रदान करता है। लखन कहा जस भाजन सोई, कृपा तो जहाँ पर होई सारा, मेरे विप्र चरणों का जिन्हें पड़ों से भी है प्यारा, वही अस्कृत का भागी होगा अटल, और हो है हमारा कहाँ तक तुम टिकेगा उस मिथिला स्वयंवर में, और मेरा तो ऐसा मानना है वही बड़ाई का पात्र बनेगा जिस पर कृपा होगी आपकी, जिसके भी ऊपर आपकी कृपा हो जाएगी, वही व्यक्ति सीता स्वयंवर में यश का प्रशंसा का और बड़ाई का पात्र बनेगा। बहुत सुंदर, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी वाणी सत्य हो। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीने आशीष सब ही सुख मानी। अब चले और सीता स्वयंवर की ओर प्रस्थान किया जाए। पुनि मुनि बंधु समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकुशाला, कोई देखे कंठा कोई कर धनिया, हम देखे प्रभु की नजरिया, को राम जी धीरे धीरे, राम जी धीरे धीरे, मुनि के संग मुनि के संग मुनि के, राम जी धीरे धीरे, ओ कोई देखे कंठा।
सुधी सब पुरवासिन पाई चले सकल ग्रह काज निसाली बाल जुबान जतन नारी।